आज हमारा टॉपिक है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ट्राइजोमी 21 के कंडीशन को कहा जाता है, जहाँ पे नॉर्मली एक क्रोमोसोम के सेट में दो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। हम कहते हैं कि क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन पेयर्स, जहाँ पे 50% हमें अपने फादर से मिलता है और 50% मदर से मिलता है। ओके, सो कुछ ऐसे कंडीशंस हो जाते हैं जिसकी वजह से दो क्रोमोसोम की जगह तीन क्रोमोसोम आ जाते हैं, एंड दैट इज़ द ट्राइजोमी। एंड इफ दैट इज़ अकरिंग एट द 21st क्रोमोसोमल सेट, देन दैट इज़ कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम। ओके, डाउन सिंड्रोम जो नाम है वो इसीलिए आया क्योंकि इस डिसऑर्डर को जिन्होंने डिस्कवर किया था, पहले ये इस डिसऑर्डर में जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे उसके हिसाब से इस डिसऑर्डर को मंगोलिज्म कहा जाता था, लेकिन इस डिसऑर्डर को जेनेटिक एक बेस है ये कहकर इसके बारे में जो भी स्टडीज़ किए थे वो डॉक्टर JLH डाउन थे, जिनकी वजह से ये डिजीज़ के बारे में हम आज इतना सब कुछ जानते हैं, इसलिए इसको डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द जेनेटिक बेसिस ऑफ द डिसऑर्डर। सो हमने इस प्रोबेबिलिटी को कि किस तरीके से एक क्रोमोसोम फादर से और एक क्रोमोसोम मदर से आने वाले कंडीशन में क्या ऐसी अबनॉर्मैलिटी हो जाती है कि फादर या मदर में से 21st क्रोमोसोम के दो पैर आ जाते हैं, ईदर फ्रॉम द फादर और फ्रॉम द मदर, इसीलिए वो तीन क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो उसमें हम देखते हैं कि देयर इज वन नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन हैपेंस फॉर अराउंड 95% ऑफ केसेस, मतलब मोस्टली हम देखते हैं कि नॉन डिसजंक्शन ही एक कारण होता है। नॉन डिसजंक्शन का मतलब है कि जब माइटोसिस या मियोसिस हो रहा हो तो क्रोमोसोम स्प्लिट नहीं हो पाते हैं, सो द इनेबिलिटी ऑफ द क्रोमोसोम टू स्प्लिट अपार्ट इज कॉल्ड एज नॉन डिसजंक्शन। ओके, सो हम यहाँ देखते हैं कि ये दो क्रोमोसोम, एक सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बाकी 22 पेयर्स के बारे में नहीं, सिर्फ 21st वाले क्रोमोसोम के पेयर के बारे में बात करते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि ये मदर का सेल है। ओके, ये फादर के सेल में भी यही चीज़ हो सकती है, सो फॉर एन एग्जांपल वी आर कीपिंग इट फॉर द मदर सेल। सो इफ़ इट इज़ अ मदर सेल देन देर आर टू क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन वन सेल, एंड ये चीज़ देन रेप्लिकेट होगी एंड दिस विल फॉर्म लाइक दिस। ओके, देन मियोसिस के दौरान इट विल डिवाइड इनटू सेल्स इन हाफ द परसेंटेज। ओके, सो नॉर्मली ये जब डिवाइड होता तो ये इस तरीके से डिवाइड होना था, इस तरीके से। ओके, ऐसे ना होकर इस पॉइंट पे अगर नॉन डिसजंक्शन हो जाए तो ये स्प्लिट ना होकर एक सेल में दोनों ही आ जाते हैं, दोनों ही क्रोमोसोम, और एक सेल में कोई क्रोमोसोम नहीं आता। ओके, सो उस कंडीशन में देन अगेन जब मियोसिस में अगला स्टेप होगा तो दे विल स्प्लिट अपार्ट इनटू हाफ परसेंटेजेस। तो ये इस तरीके से, यहाँ पे एक आना चाहिए था, यहाँ दो दो आ जाते हैं, और क्योंकि यहाँ पे नहीं हुआ तो बाकी सारे ही क्रोमोसोम स्प्लिट होंगे लेकिन 21st क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ये ब्लैंक है तो इसका मतलब ये नहीं कि इनमें कोई क्रोमोसोम नहीं है, इनमें 1 to 20 और देन 22, 23 पेयर जो क्रोमोसोम का पेयर है वो रहेगा, बस 21st जो क्रोमोसोम है वो हम यहाँ मान रहे हैं कि सेल में प्रेजेंट नहीं है। तो जब ये सेल में प्रेजेंट नहीं है तो जब आगे डिवाइड होगा तो भी इसका हाफ परसेंटेज बाकी सारे क्रोमोसोम का होगा लेकिन 21st क्रोमोसोम का नहीं होगा। ओके, देन देयर आर टू क्रोमोसोम्स हियर। जब क्योंकि हमने ये माना कि ये मदर का सेल था तो जब फादर का स्पर्म आएगा तो उस कंडीशन में व्हेन दिस विल फ्यूज तो जो जाइगोट है उनमें जो सेल बनेगा उसमें टू क्रोमोसोम की जगह 3 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। यू कैन सी दिस, सो इफ वी आर टॉकिंग कि दिस इज़ द क्रोमोसोम 21, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे ये तीन क्रोमोसोम आ गए, दैट इज़ ट्राइजोमी। मैं आपको इसका एक नॉर्मल फॉर्म पहले दिखा देती हूँ, आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सो इफ इट वॉज लाइक दिस, ओके, देन वॉट कुड हैव हैपेंड इज ड्यूरिंग मियोसिस इट स्प्लिट लाइक दिस। ओके, देन जो यहाँ पे नहीं हुआ वो यहाँ पे नॉर्मली होता है, देन व्हेन इट स्प्लिट देन एक और, ठीक है, देन यहाँ पे हम एक को लेके बात कर लेते हैं। यहाँ पे जब स्पर्म आएगा और ये मदर का सेल है ये फादर का सेल है तो ये अपना एक क्रोमोसोम लेके आएंगे, मदर के पास एक क्रोमोसोम ऑलरेडी है तो जो जाइगोट बनेगा वहाँ पे, अगर हम क्रोमोसोम 21 की बात कर रहे हैं तो मदर का एक क्रोमोसोम
21 एंड फादर ने जो दिया अपना 50% एक क्रोमोसोम क्रोमोसोम 21, इसीलिए नॉर्मली बच्चों में जो 21st क्रोमोसोम है या सारे क्रोमोसोम जो हैं इस तरीके से दो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब नॉन डिसजंक्शन हुआ तो कुछ सेल्स तीन में बनेंगे और कुछ सेल्स के पास तो होगा ही नहीं क्रोमोसोम 21। सो दिस विल बी कॉल्ड एज ट्राइजोमी 21 एंड दिस विल बी कॉल्ड एज मोनोजोमी 21। ओके, सो हम मोनोजोमी के बारे में अभी बात नहीं करेंगे बिकॉज वी आर डीलिंग विद द डिसऑर्डर ऑफ डाउन सिंड्रोम, दैट इज ट्राइजोमी 21। सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉन डिसजंक्शन। यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन यहाँ पे फर्स्ट फेज में हुआ। अगर मान लीजिए कि ये थोड़ा आगे चल के होता है तो क्या होगा? ओके, सो दिस वाज द टू क्रोमोसोम, इट रिप्लिकेटेड। रिप्लिकेशन के बाद मियोसिस में आप देखते हैं 50% में ये स्प्लिट हुआ। स्प्लिट होने के बाद यहाँ तक ही अच्छे से स्प्लिट हुआ। यहाँ पे हमने माना कि पहले ही स्प्लिट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे एक फेज़ में स्प्लिट हुआ, लेकिन सेकेंड फेज़ में जाके, सेकेंड स्टेज में जाके नॉन डिसजंक्शन हुआ। तो नॉन डिसजंक्शन हुआ तो ये जो है ये एक एक क्रोमोसोम होने की जगह एक में दोनों ही क्रोमोसोम चले गए एक सेल में, और एक सेल में कोई भी क्रोमोसोम नहीं आया। 21 की बात कर रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे ये दो में स्प्लिट हुआ। ऐसी कंडीशन में जब स्पर्म आएगा तो एक ट्राइजोमी बनेगा, एक मोनोसोमी बनेगा, और दो जो हैं प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो ये हैं कि नॉर्मल बनेंगे। ओके, सो आप यहाँ देखते हैं कि जितनी अर्ली में हो रहा है उतने ज़्यादा चांसेस हैं जेनेटिक अबनॉर्मैलिटीज़ के, जितना लेट स्टेज में नॉर्मल डिसजंक्शन हो रहा है उसमें 50% चांसेस हैं कि नॉर्मल सेल्स बनेंगे या नॉर्मल सेल्स विथ नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 21 बनेगा। सो ये था नॉन डिसजंक्शन विच अकाउंट्स फॉर अबाउट 95% ऑफ केसेस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 4% केसेस की, जो होता है रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन की वजह से। ओके, सो रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन इज़ अ काइंड ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशन, जिसमें क्या होता है कि जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैं, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स वो होते हैं जिनका एक आर्म जो है वो स्लाइटली बिगर होता है और जो दूसरा आर्म है वो स्लाइटली स्मॉलर होता है। ओके, जिस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, तो अगर ये क्रोमोसोम 21 है जिसको हमने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है और ये 14th क्रोमोसोम है जो हमने रेड से रिप्रेजेंट किया है, तो सेंट्रोमेयर के वहाँ से स्प्लिटिंग होती है और किसी कारणवश, और ये आप याद रखिएगा कि रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन केवल और केवल दो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स के बीच में ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमने लिया है कि अगर 21 के साथ हो तो 21 के साथ 22 भी हो सकता था, यहाँ पे हमने 14 का एग्जांपल लिया है। तो उस कंडीशन में जो बड़े वाले आर्म हैं वो एक साथ जुड़ जाएंगे और जो छोटे वाले आर्म्स हैं वो एक साथ जुड़ जाएंगे। दिस इज़ व्हाट यू कॉल रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। ये नॉर्मली नहीं होता है, दिस इज़ एन क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी या एब्रेशन। ओके, सो अगर ऐसा होता है तो हम एक सेल में मान लेते हैं, यहाँ पे हम सेल में सिर्फ 21st क्रोमोसोम को दिखा रहे थे, यहाँ पे हम 14th और 21st दोनों ही क्रोमोसोम को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे एक नॉर्मल 21 क्रोमोसोम है, अबनॉर्मल 21 क्रोमोसोम है, नॉर्मल 14th क्रोमोसोम है और अबनॉर्मल 14th क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि ये इतना छोटा होता है ये क्रोमोसोम जिसकी शॉर्ट आर्म्स जाके जुड़ते हैं, कि ये आगे चलकर जब डिवीजन होता है मियोसिस के स्टेजेस आते हैं तो ये इतना छोटा होता है कि ये कहीं ना कहीं बीच में लॉस्ट हो जाता है, तो ये आगे हम स्टेजेस में नहीं देखेंगे। ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट हैपेंस इज़ कि यहाँ पे हमने दो कंडीशंस लिया है, वन अकाउंटिंग टू अ नॉर्मल कंडीशन एंड वन अकाउंटिंग टू एन अबनॉर्मल कंडीशन। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन के बावजूद भी हम देखते हैं कि कुछ नॉर्मल कंडीशंस होते हैं, लेकिन कैसे होता है वो देख लेते हैं। अगर ऐसा हुआ तो अगर मान लीजिए सेल में जब डिविजन हुआ तब नॉर्मल 21st क्रोमोसोम और नॉर्मल 14th क्रोमोसोम एक साथ अगर आ जाते हैं सेल में और एक तरफ अब नॉर्मल वाले 21st और 14th क्रोमोसोम आ जाता है तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, देन इसके आगे जब आप मियोसिस देखेंगे तो आप देखेंगे कि बाकी सारे, इसके अलावा 14th और 21st के अलावा बाकी सारे क्रोमोसोम्स का ये हो रहा है, हम उसको नहीं यहाँ दिखा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे एक पैर यहाँ पे आएगा, एक पैर 14 का भी आएगा, एक पैर 21 का, एक पैर 14 का। ओके, इस तरीके से ये दो में स्प्लिट हुआ। देन ये जब दो में स्प्लिट हुआ उसके बाद जब स्पर्म आएगा, यहाँ पे भी हम एग्जांपल मदर का सेल ले रहे हैं, तो जब फादर का सेल आएगा तो फादर के पास भी ऑलरेडी सारे ही क्रोमोसोम के एक एक क्रोमोसोम होंगे, तो फादर के पास जो 21 है और मदर का ये 21, ये दो पैर बन, एक पैर बन गया।
फादर के पास जो 14th क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम है और यहाँ ऑलरेडी एक प्रेजेंट है, तो ये बन गया. तो दिस इज़ अ नॉर्मल सेल. ओके, दिस इज़ अ नॉर्मल कंडीशन. मतलब रोबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन होने के बावजूद भी नॉर्मल बच्चे होने के, मतलब एक ऐसा बच्चा जिसमें ट्राइजोमी ना होने के चांसेस यहाँ हम देख रहे हैं. ओके, ऐसा ही इसमें भी हो रहा है. लेकिन अब आप यहाँ देखिए कि ये तो बीच में कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गया. ओके, दिस इज लॉस्ट. सो वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट दी लॉन्गर क्रोमोसोम. तो लॉन्गर क्रोमोसोम भी स्प्लिट होगा. स्प्लिट होगा तो वहाँ पे जब स्पर्म आएगा तो व्हाट हैपेंस इज कि ये एक लॉन्गर जो मदर का है और ये दोनों जो हैं ये फादर के हैं. ओके, ये ऐसे ही यहाँ पे भी है. ये और ये जो नॉर्मल वाले हैं ये फादर के हैं और ये जो अब नॉर्मल वाला लॉन्गर है ये मदर के हैं. लेकिन इसको हम बैलेंस्ड कैरियर्स बोलते हैं जिनमें डाउन सिंड्रोम नहीं होता है. वो इसीलिए क्योंकि ये जो लॉन्ग आर्म ऑफ जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं उनके लॉन्ग आर्म्स में ऑलमोस्ट ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस प्रेजेंट होते हैं और शॉर्ट आर्म्स में ज़्यादातर कोई भी एसेंशियल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होते हैं. इसीलिए अगर किसी में इस तरीके का फीचर है तो उनके में सारे ही नॉर्मल कंडीशंस दिखाई देंगे. दे विल बी बैलेंस्ड कैरियर्स विथ नो सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम एंड दे हैव अ नॉर्मल लाइफ. ओके, सो दिस इज़ अ नॉर्मल कंडीशन. नाउ व्हाट कुड हैपन अगर ऐसा ना होकर कुछ और कैसे हो सकता है. व्हाट विल हैपन इज कि ये वाला स्टेज जो है वहाँ से जब ये स्प्लिट होगा तो स्प्लिट होते वक्त नॉर्मल नॉर्मल एक तरफ और अब नॉर्मल एक तरफ आने की जगह अगर 21st क्रोमोसोम की तक यहाँ के बाद यहाँ दिखा रही हूँ मैं. ओके, तो आप यहाँ तक नॉर्मल मानिए. इसके बाद ये एक स्टेज था, ये सेकेंड स्टेज है. ओके, सो इसमें से जब स्प्लिट हुआ तो स्प्लिट होने में अगर एक नॉर्मल 21st क्रोमोसोम और एक लॉन्ग आर्म वाला क्रोमोसोम जो है 21st वो एक तरफ आ गया और नॉर्मल जो 14th क्रोमोसोम है और जो शॉर्ट वाला 14th क्रोमोसोम है वो एक तरफ अगर आ जाए तो क्या होगा. ओके, इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन इज कि ये इस तरीके से जाएगा. दिस विल स्प्लिट इनटू वन क्रोमोसोम वन एंड द लॉन्ग आर्म वन 14th, ये ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो जाएगा. ओके, इन दिस कंडीशन व्हाट विल हैपन इज कि जब ये मदर का एग्जांपल ले रहे हैं इसलिए जब फादर का सेल आएगा तो फादर ये मदर का है. ओके, ये दोनों ये फादर लाए हैं. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लॉन्ग आर्म को हमने एक क्रोमोसोम के बराबर ही माना. इसीलिए हम ये देखेंगे कि कितना रेड आपको दिखाई दे रहा है. ये लॉन्ग आर्म को हम एक क्रोमोसोम अगर मान सकते हैं तो ये 2 14 हैं, इसलिए 14 तो कंप्लीट है. लेकिन आप देखिएगा कि ग्रीन कितने हैं यहाँ पे, एक और एक नॉर्मल. जो दो नॉर्मल हैं वो एक मदर से है और एक फादर से है. और जो मदर के पास ऑलरेडी एक अब नॉर्मल लॉन्ग आर्म वाला क्रोमोसोम था 21, वो भी पूरा ही इन्फॉर्मेशन लिए हुए हैं 21st क्रोमोसोम की. इसीलिए हम इसको 3 क्रोमोसोम मानेंगे. तो अगर ये 3 क्रोमोसोम है तो देन दिस इज़ अ ट्राइजोमी. ओके, सो देर आर 2 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ट्राइजोमीज. एंड यहाँ आप देखेंगे कि ऑलरेडी मदर के पास 21st क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये मदर का 2 14th क्रोमोसोम है और ये फादर से जो मिला हुआ एक 21st और एक 14 है. तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ एक ही 21st क्रोमोसोम होने की वजह से दिस विल बी कॉल्ड एज अ मोनोसोमी. ओके, एंड द लास्ट कंडीशन कुड बी अ मोज़ेक सिस्टम. मोज़ेक सिस्टम अकाउंट्स फॉर ओनली 1%. यहाँ पे माइटोसिस में हम देखते हैं नॉन डिसजंक्शन. तो माइटोसिस इज़ व्हेन जब ये स्प्लिट होते हैं सेल्स तो इक्वल परसेंटेजेस दोनों में स्प्लिट होते हैं. ओके, सो यहाँ पे 2n, मियोसिस में 2n स्प्लिट्स इनटू nnn, लेकिन यहाँ पे हम माइटोसिस में देखते हैं कि 2n स्प्लिट्स इनटू 2n एंड 2n. ओके, सो यहाँ पे आप 46 में नॉर्मली देखेंगे कि 46 से 46 46 46 46 46 ऐसे होना चाहिए था. लेकिन किसी कारणवश अगर 21st क्रोमोसोम एक में ज़्यादा चला जाए तो दूसरे में कम हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे जब ये स्प्लिट हुआ तो ये 46 नॉर्मल क्रोमोसोम्स तो प्रेजेंट हैं, साथ साथ इधर का एक 21st क्रोमोसोम इधर आ गया. ओके, सो यहाँ 47 हो गया और यहाँ 45 हो गया. 45 के लिए तो हम बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दी 47 क्रोमोसोम्स. सो आप देखेंगे कि ये 47 जब स्प्लिट होगा तो देन अगेन जैसे मैंने भी कहा कि 2n विल स्प्लिट इनटू 2n एंड 2n, तो 47 विल स्प्लिट इनटू 47 एंड 47. तो आप देख सकते हैं कि आगे आगे जब सेल्स स्प्लिट होंगे तो कितने सारे सेल्स में ट्राइजोमी होती चली जाएगी. दिस अकाउंट्स फॉर 1% ऑफ केसेस. दिस इज कॉल्ड एज मोज़ेक सिस्टम. ओके, सो नाउ ये क्यों होता है डाउन सिंड्रोम. ये सारे कारण हमने देखे, इसके क्या एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं. द फर्स्ट वन बीइंग व्हेन द मैटरनल एज इज़ वेरी हाई, 45
ईयर्स या उससे ऊपर की अगर मदर हैं और अगर वो बेबी कंसीव करती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स का, मेनली डाउन सिंड्रोम का. ओके, मैटरनल रिप्रोडक्टिव एग्जॉशन, अगर बहुत ज़्यादा रिपीटेड प्रेगनेंसीज हुई हैं तो उस कंडीशन में, मतलब मल्टी पैरा मदर हैं तो उस कंडीशन में भी डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस हैं. मैटरनल डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है, जैसे सिफिलिस, ट्यूबरक्लोसिस, फीटल एंडोक्राइन डिसफंक्शन की वजह से भी हो सकता है कि फीटस में अगर एंडोक्राइनल डिसफंक्शन है तो भी हम देखते हैं कि डाउन सिंड्रोम हो सकता है. ओवम अगर डीजनरेटेड है देन इट कैन ऑल्सो हैपन बिकॉज दैट ओवम इज अनहेल्दी एंड दैट कैन अकाउंट टू ट्राइजोमी या कोई भी और क्रोमोसोमल एबरेशन. ओके, देन मैटरनल इमोशनल ट्रॉमा. सो फिजिकल के अलावा ही अगर इमोशनली भी मदर ट्रॉमाटाइज्ड हैं तो देन ऑल्सो देर आर चांसेस दैट मदर कैन हैव अ बेबी विद जेनेटिक डिसऑर्डर. ओके, अब यहाँ पे हम क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं. क्लिनिकल फीचर्स हमने पॉसिबल सारे क्लिनिकल फीचर्स को यहाँ पे एनलिस्ट किया है स्टार्टिंग फ्रॉम दी हेड टू टू. ओके, सो हेड टू टो के हिसाब से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. सबसे पहले यहाँ पे दोनों ही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, सॉरी फिजिकल और ऑर्गनल दोनों ही सिम्टम्स को हमने एक साथ यहाँ पे मेंशन किया है. सो ज़्यादातर डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में हम देखते हैं कि दे हैव अ वेरी हाई ग्रोथ रिटार्डेशन या ग्रोथ फेलियर. फिजिकल ग्रोथ के अलावा मेंटल रिटार्डेशन होता है उन्हें. ओके, जो हेड है वो बैक से फ्लैट नज़र आता है. अगर आप ईयर्स की तरफ देखेंगे तो फोल्डेड या अबनॉर्मल ईयर्स आपको नज़र आएंगे. अगर आप फेशियल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो बहुत फ्लैट फेशियल स्ट्रक्चर्स होंगे जिसमें ब्रॉड फ्लैट फेस है, स्लैंटिंग आईज है, थोड़ा टिल्टेड टाइप का. ओके, एपिकैंथियल फोल्ड है. एपिकैंथियल फोल्ड इज समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज द आई. ओके, इस तरफ तो इधर यू हैव एन एपिकैंथियल फोल्ड. ओके, आई फोल्ड. देन दे हैव शॉर्ट नोज. जो पैलेट होता है दैट इज स्मॉल एंड आर्क्ड. ये जिस तरीके से हम देखते हैं पैलेट इस तरीके से, इट डजेंट कम लाइक दिस. ओके, देन द टंग इज यूजुअली बिगर और थोड़ा रिंकल्ड होता है, मतलब रिंकल्स के साथ इट फील्स लाइक. ओके, देन अगर आप डेंचर्स की अगर आप टीथ्स की तरफ देखेंगे तो डेंटल अबनॉर्मैलिटीज नज़र आते हैं. अगर आप हाथ में देखेंगे तो ये इस तरीके से, मतलब ओके, इफ दिस इज हैंड तो आप इस तरीके से एक प्लेन लाइन इस तरीके से देखेंगे. ओके, अ स्ट्रेट लाइन हियर. ओके, सो दैट इज कॉल्ड अ सीमियन क्रीज. दैट इज वेरी वेरी गुड इंडिकेशन जब आप डायग्नोस करना चाहते हैं अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कि डाउन सिंड्रोम है या नहीं. ओके, सो दैट इज सीमियन क्रीज, अ लाइन, अ स्ट्रेट लाइन. ओके, देन क्लिनोडेक्टिली इज फोल्डेड फिंगर. तो डैक्टिली यहाँ पे फैलेंजेस के लिए कहा गया है. स्पेसिफिकली जो स्मॉल फिंगर होता है, फिफ्थ फिंगर जो है वो थोड़ा कर्व्ड होता है फोर्थ फिंगर की तरफ, ऐसे हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. दे हैव कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़. हार्ट के अलावा किडनी, इंटेस्टाइन, ये सारे ही ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा डिसफंक्शनल होते हैं. जो रिब है, एक या एक से ज़्यादा रिब्स यूनिलैटरली या बायलैटरली एब्सेंट होने के चांसेस हैं. इंटेस्टाइनल ब्लॉकेजेस, enlarged colon, umbilical hernia, ये सारी चीज़ें हम GI में देखते हैं. pelvic bone जो है वो normal नहीं होता है, that have some symmetrical abnormality, तो there is an abnormal pelvis, diminished muscle tone. और अगर आप पैरों की तरफ देखेंगे, ज़्यादातर muscle tone जो diminished है वो पैरों की तरफ ज़्यादा लगता है, पर body के किसी और part में भी हो सकता है. और अगर आप पैरों के तरफ देखेंगे, पैरों के जो toes हैं या पैरों की उंगलियां जो हैं उसकी तरफ देखेंगे, तो पहले जो जो उंगलियां होती हैं, अंगूठा और जो सेकेंड टो है उसके बीच में बहुत स्पेस होता है. और जो अंगूठा होता है या फर्स्ट टो होता है पैरों का, दोनों ही पैरों का, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन जिनको डाउन सिंड्रोम नहीं है. सो दीज आर सम ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स. ओके, नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन में हम सबसे पहले देख रहे हैं ब्लड इन्वेस्टिगेशंस के बारे में. प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम देखते हैं कि जब ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं तो अल्फा फीटो प्रोटीन एंड अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियॉल जो है ये दोनों ही ब्लड में कम दिखाई देते हैं, कम लेवल में. देन HCG जो है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन, उसका लेवल
और जो इनहिबिन ए है इन दोनों के लेवल ब्लड में ज़्यादा नज़र आते हैं, सो दिस कैन बी एन इंडिकेशन फॉर डाउन सिंड्रोम। अल्ट्रासोनोग्राफी की जा सकती है जिसमें नकल ट्रांसलेंसी देखी जाती है, नकल इज नेक, सो इट्स सीन दैट कि नेक में से कितना लाइट पास हो पा रहा है, हाउ मच लाइट इज़ बीइंग अकोमोडेटेड इन बिटवीन द नेक, उससे भी एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है बिकॉज ऑफ द शॉर्ट स्कल। ओके, सो ये भी एक इंडिकेशन है। इससे हम करेक्ट ये तो नहीं बता पाएंगे द फीटस इज हैविंग डाउन सिंड्रोम, बट दिस कैन गिव एन इंडिकेशन। ओके, मैनेजमेंट में एज इफ देर इज़ नो मैनेजमेंट टू करेक्ट द डाउन सिंड्रोम ऑल टुगेदर, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सिम्टोमेटिकली कर सकते हैं, जिसमें फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल रिपेयर्स कर सकते हैं, जैसे कॉन्जेनाइटल एनोमैलीज हैं या फिर हर्नियाज हैं या ब्लॉकेजेस हैं इंटेस्टाइन में, तो इसके सर्जिकल रिपेयर्स कर सकते हैं। प्रॉपर अटेंशन एंड केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट चाइल्ड नीड्स मच मोर केयर एक दूसरे चाइल्ड के बराबर जिनको डाउन सिंड्रोम नहीं है। जो नॉर्मल वैक्सीनेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे के लिए भी, और बिल्कुल स्किप नहीं करने का एडवाइस दिया जाता है। एंड कॉग्निटिव एंड एडुकेशनल थेरेपीज दी जाती है, स्कूलिंग या स्कूल्स अगर अवेलेबल नहीं हैं डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स के लिए, तो किसी भी तरीके के वोकेशनल और एडुकेशनल जो ट्रेनिंग है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज as we said कि mental retardation की वजह से they have difficulty in you know coping up with normal life, तो इसीलिए cognitive therapies बहुत ज़रूरी हैं। अगर अच्छा management दिया जाए तो they have a good quality and good longevity of life। okay, मतलब उनका जो life span है plus जितना वो जिएंगे तब तक उनका जो quality of life है वो बहुत ज़्यादा improve किया जा सकता है with a good management। okay, so this is all about Down syndrome, I hope you understood it। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।